वेलकम बैक फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट एजोनेंस। एजोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड्स। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वॉवल साउंड्स इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स, phrases and or syllables. For examples, clap your hands and stamps your feet. यहाँ पे हम देख रहे हैं ए जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है. Another example, try to light the fire. यहाँ पे जो आई साउंड है वो रिपीट हो रहा है. It beats as it sweeps as it cleans. यहाँ पे हम देख रहे हैं ई साउंड रिपीट हो रहा है. सो एजोनेंस में जो वॉवल साउंड होता है वो बार बार रिपीट होता है. नेक्स्ट वी हैव मेटाफर एंड सिमली. These are two most important poetic device. Simile जो है indirect compare करता है and metaphor is the direct comparison. Bob is as brave as lion. तो यहाँ पर Bob को हम lion के जैसा कह रहे हैं. Bob is not a lion, lion के जैसा है. This is simile. But when we say Bob is a lion, तो ये metaphor हो जाएगा. Simile और metaphor ये दोनों comparison के लिए होता है. Simile में age या like जैसे words use होते हैं. Twinkle twinkle little star, like a wonder in the sky. तो like a wonder, तो यहाँ पे हम like का use कर रहे हैं. सिमिली में हमेशा ये याद रखना पड़ता है कि वर्ड एज और लाइक का यूज होता ही है. मेटाफर जो है वो डायरेक्ट कंपैरिजन है, डायरेक्ट कंपेयर किया जाता है. सिमिली एंड मेटाफर का कुछ डिफरेंसेस को दिखाया गया है यहाँ पे. अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स. मेटाफर में अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स एज और लाइक. सिमिलीज में कनेक्टिंग वर्ड्स एज या लाइक होता है. मेटाफर्स डू नॉट यूज कनेक्टिंग वर्ड्स टू पॉइंट अ पिक्चर एंड गिव एन एग्जांपल. इसमें पॉइंट किया जाता है पिक्चर को एंड पॉइंट टू पॉइंट अ पिक्चर फॉर द रीडर. सिमिलीज मेक एक्सप्लिसिट कंपैरिजंस. मेटाफर्स मेक्स implicit comparisons. A comparison between two different things. A comparison between two different things without using words as or like. Examples given below. Bob is as brave as a lion. जबकि metaphor में हो जाएगा Bob is a lion. The pizza is as hot as a fire. The pizza is a fire. Life is like a dream. Life is a dream. She is like an angel. She is an angel. Life is like a box of chocolates. Life is a box of chocolates. More examples we can take like life is a journey. Love is life. Struggle is life. Life is a struggle. These are all examples of metaphor. World is a stage. तो ये सारा metaphor का examples हैं. Simile में हमें age या like words का use करना पड़ता है. जैसे हम use कर सकते हैं ice is very cold, तो इसको हम बोलेंगे एज कोल्ड
एज आइज, किसी भी चीज़ को हम कंपेयर करना हो, जैसे सी इज एज ब्यूटिफुल एज फ्लावर, वाटर इज एज इम्पोर्टेंट एज लाइफ. नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट इज ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन इज अनदर इम्पोर्टेंट पोएटिक डिवाइस. ये कंट्रास्टिक वर्ड होते हैं, कॉन्ट्रेडिक्टरी वर्ड होते हैं. दो वर्ड एक साथ आते हैं और दोनों ऑपोजिट होते हैं, लेकिन एक साथ यूज होता है. जैसे डिफेनिंग साइलेंस, साइलेंस कैसा है, डिफेनिंग है. डूइंग नथिंग, देखिए डूइंग भी है और नथिंग भी है. डे ड्रीम्स, ड्रीम्स भी है और डे भी है, जबकि हमें सपने रात में आते हैं तो डे ड्रीम्स. रैंडम पैटर्न्स, जब पैटर्न्स है तो रैंडम कैसा और रैंडम है तो पैटर्न कैसे. एक्ट नेचुरली, अगर एक्टिंग है तो फिर नेचुरल कैसे होगा और नेचुरल है तो फिर एक्टिंग कैसे होगा. सो दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट ऑक्सीमोरन. स्मॉल क्राउड, जब क्राउड है तो स्मॉल नहीं होना चाहिए. ड्रेस शर्ट, न्यू क्लासिक, ऑलमोस्ट लिमिटलेस. प्रेटी बेड, प्रेटी का मतलब सुंदर होता है, तो सुंदर है तो बेड नहीं होगा. गोइंग नाउवेयर, अगर जा रहे हैं तो कहीं नहीं जाना पॉसिबल कैसे है, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, बट एग्जांपल इज गोइंग नाउवेयर. फीलिंग नम, जब फीलिंग है तो नम कैसे होगा. नम का मतलब होता है सुन्न हो जाना, कुछ भी फील ना होना. तो इस तरह से ऑक्सीमोरन का यूज होता है. दो वर्ड्स एक साथ आते हैं लेकिन दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं. जेन्युइन इमिटेशन, इमिटेशन जेन्युइन कैसे हो सकता है. ऑल एलोन, जब ऑल हैं तो एलोन कैसे होगा. फ्रेश फ्रोजन, फ्रेश है तो फ्रोजन नहीं होगा. क्लाइम डाउन, अगर क्लाइम कर रहे हैं तो डाउन कैसे होगा. माइनर मिरेकल, क्रैश लैंडिंग. न्यू यूज्ड कार, ऑफुली नाइस. इनसाइड आउट. तो ये सारा जो एग्जांपल्स है ऑक्सीमोरन का है. आई होप यू अंडरस्टूड, दीज आर वेरी क्लियर एंड यूजेबल.